यदि सचा जी, पितृ अमावस्या कब है और इस दिन क्या कुछ खास संयोग भी बनने जा रहा है? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष का समापन अमावस्या को होता है, तो इस बार अमावस्या जो है 2 अक्टूबर को पड़ रहा है और ऐसा संयोग है कि बुधवार को पड़ रहा है। तो यदि बुधवार को अमावस्या हो तो पितृदोष यदि आपके घर में है, पितृ का तो तर्पण करते ही हैं, लेकिन यदि पितृदोष है तो उस पितृदोष से मुक्ति के लिए उस दिन पितृ तर्पण अवश्य करें। और यदि काल सर्प दोष है तो भी उस दिन आप यदि काल सर्प दोष की शांति कराते हैं, पितृ पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से बुधवार का अमावस्या जो है वह पितृ, और इसमें भी पितृपक्ष है, तो पितृदोष और काल सर्प दोष का यदि आपके ऊपर साया है तो उस दिन यदि आप शांति कराते हैं तो निश्चित रूप से आपका काल सर्प दोष और पितृदोष दोनों समाप्त हो जाएगा। करना क्या है, उस दिन आपको अपने पितरों का तर्पण करना है और मंदिर में जा करके राहु और केतु जनित जप का, राहु मंत्र का जप कराएं और काल सर्प दोष का संकल्प करा के सर्प का पूजन करके बहते जल में यदि सर्प को आप विसर्जित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका काल सर्प दोष समाप्त।